उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने कहा है कि कड़ी सजा दिलाएंगे, दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया है दुख। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने कहा है कि कड़ी सजा दिलाएंगे, दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि देर रात कल उन्नाव रेप पीड़िता ने जिंदगी से हार मान ली। सीएम योगी ने कहा है कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, दोषियों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि कल देर रात 11:40 पर उन्नाव रेप पीड़िता ने जिंदगी से हार मान ली। आपको बता दें कि रेप पीड़िता के परिवार वालों ने गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पीड़िता के पिता ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें गुनहगारों को हैदराबाद की तरह इंसाफ चाहिए। आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित दुबे जी, सीएम योगी ने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, दुख व्यक्त किया है, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे लोग इस बात का इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर सूबे के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो आरोपी है उन्हें पहले हिरासत में लिया जा चुका है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वो लगा कार्रवाई होगी, और यहाँ तक कि जिस तरह से खासतौर पे जो पीड़िता के परिजन है उन लोगों ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात योगी कह रहे हैं, हालांकि जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद का जिक्र किया था, तो ये भी बातें कहीं ना कहीं सीएम के संज्ञान में थी, और यही वजह थी कि योगी ने कहा कि फास्ट ट्रैक के जरिए जो है मामले की सुनवाई होगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलाई जाएगी। जी अमित दुबे जी, दया याचिका खारिज कर दी गई थी, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जिसकी मैं बात लगातार कर रहा था कि खुद राष्ट्रपति का जिस तरह से बयान है उसके बाद साफ तौर पर इस बात को माना जा रहा था कि दया याचिका जो है वो खारिज होनी है, क्योंकि दया याचिका जो है वो गृह मंत्रालय के थ्रू राष्ट्रपति के पास जाती है, और साफ तौर पे इस तरह की चीजें जब राष्ट्रपति खुद बोल रहे हैं तो इस तरह की दया याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं होता, और यही वजह है कि उस दया याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि लगातार निर्भया के जो आरोपी है पिछले 7 साल से खुद उनके माँ बाप जो है वो लगातार न्याय की गुहार
लगाते रहे और उसके पिछले 7 साल के बावजूद अब तक उन्हें फांसी नहीं दी जा सके, तो न्यायिक प्रक्रिया कितनी लेट है इस बात पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब पूरा देश कहीं ना कहीं इस तरह के आक्रोश में है तो और उसके बाद चीजें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है, और यही वजह है कि गृह मंत्रालय जिस तरह से रिकमेंडेशन की थी राष्ट्रपति भवन ने भी उस बात को स्वीकारा है। जी बिल्कुल, अमित, सीएम योगी की प्रतिक्रिया का इंतजार तो सब कर रहे थे, तो सीएम योगी की प्रतिक्रिया के बाद परिवारजनों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, परिवारजन जो है वो लगातार कह रहे हैं, जिस तरह से पीड़िता के भाई ने बयान दिया था, वो पीड़ित परिवार के लोग भी चाहते हैं कि आरोपियों के जल्द से जल्द सजा मिले। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितनी जल्दी सुनवाई होती है इस बात पे भी जो है लोगों को संदेह होता है, क्योंकि कल जिस तरह से कई लोगों के बयान आए उन्होंने साफ तौर का कि देर से मिला हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है, और जिस तरह जो मैं हवाला दे रहा था। अमित दुबे जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय मिलता है, क्योंकि सीएम योगी ने भी संवेदना व्यक्त की है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्नाव रेप के इस मामले में ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मिले जाने के लिए आज ही गृह विभाग के माध्यम से हम संबंधित अदालत को अनुरोध करेंगे, और 6 महीने से भी कम समय लगे हम अदालत से ये भी कहें इसकी डे टू डे सुनवाई करें, पुलिस से कहेंगे कि शीघ्र चार्जशीट दाखिल करें और डे टू डे सुनवाई हो सकता है कि जैसे हमारे जो न्यायपालिका में हमारे न्यायाधीश गण हैं वो भी इन मामलों में तेजी दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि औरैया में और मेरठ में कई जगह मात्र 5 दिन और 1 हफ्ते में भी ऐसी चार्जशीट के बाद सुनवाई होकर के सजा मिली है, तो हम अदालत से ऐसी ही सुनवाई के अनुरोध करें कि शीघ्र से शीघ्र डे टू डे सुनवाई करके इस मामले में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दें।